देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है आपको, एक्सरसाइज 9 से क्वेश्चन नंबर 12, अरीना इज 6 इयर्स ओल्डर देन हर ब्रदर अजय। रीना जो है अपने भाई अजय से 6 ईयर बड़ी है। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 28 इयर्स, अगर दोनों के एज को अगर मिला दिया जाए यानी सम किया जाए जोड़ा जाए तो वो 28 इयर्स होता है। व्हाट आर द देयर प्रेजेंट एज, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा प्रेजेंट एज तो हम लोग मानेंगे प्रेजेंट एज भी एक्स मानेंगे, जो स्मॉल होगा उसको एक्स मानेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो यहां मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मोना का ब्रदर क्या है अजय का बी एक्स एयर्स, एक्स एयर देन द प्रेजेंट एज ऑफ रीना इक्वल टू कितना ईयर्स बढ़ी थी 6 ईयर, एक्स प्लस 6 ईयर। यहां तक हो गया, मतलब आपको दिया हुआ अजय का एज अमोना रीना का एज का रिलेशन दिया हुआ, रीना जो है अजय से 6 ईयर बड़ी है, रीना बड़ी है अजय से, तो अजय उसका भाई है, ये बहन है रीना। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अजय बी एक्स ईयर देन द प्रेजेंट एज ऑफ रीना 6 ईयर इससे बड़ी थी, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 6 ईयर। एक्विवेलेंट टू क्वेश्चन अगर बात करें देन एक्विवेलेंट टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन से ये दिया हुआ है एक्विवेलेंट टू क्वेश्चन कि दोनों का एज का सम जो है सम ऑफ देयर एज इज 28 ईयर्स, अगर हम ऐड करें अजय के एज को और रीना के एज को दोनों को ऐड करें ये होता है 28 ईयर्स। ईयर्स इधर भी नहीं लिखी, इधर भी लिखी, इधर भी लिखी, ईयर्स दोनों तरफ लिखे। ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट या प्लस साइन किसी का चेंज नहीं होगा, ये 28 है। एक्स एक्स एड होके हमारा हो जाएगा 2x और ये 6 को उस तरफ ले जाएंगे 28 माइनस हो जाएगा 6, ये 2x, ये आपको ये हो जाएगा 22 और x इक्वल टू आप सॉल्व करेंगे 22/2 दैट इज x इक्वल टू आपको हो गया 11। यानी x आपने किसका माना था, आपको क्वेश्चन में फाइंड कर दे रहा हूं, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो आप यहां हेंस करके आप लिखेंगे हेंस करके हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ अजय आपको कितना आया परसेंटेज, यहाँ आपको x x का वैल्यू कितना है 11 11 ईयर, यहाँ 11 लिख के आप लिखेंगे पूरा ईयर, जगह नहीं है तो हम इधर इक्वल लिख के 11 ईयर एंड द परसेंट एज ऑफ रीना इक्वल टू कितना था x प्लस 6 ईयर, 6 ईयर्स बड़ी थी यहाँ पर देखिए x प्लस 6 ईयर, x प्लस 6 ईयर यानी कि 17 ईयर, यही दो आपको आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 12, यानी यहाँ पर एज रिलेटेड होगा, अगर आपको दिया हुआ है कभी कभी यहाँ पर ऐड करना होगा कभी सब्ट्रैक्ट करना होगा, जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो एक सेंटेंस लिखने का तरीका है, प्रेजेंट एज को हम लोग एक्स मानेंगे, जो छोटा होगा उसको एक्स मानेंगे, फिर उसके रिस्पेक्ट में दूसरा एज हमको कोई 2% का दिया होगा तो वहां लेके फिर एक्वेलेंट टू क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। यहां तक क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इसी तरह से क्वेश्चन है, सिर्फ आइडिया लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है दीपक इज, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 दीपक इज ट्वाइस एज ओल्डर एज हिज ब्रदर विकास। दीपक जो है अपने ब्रदर विकास से ट्वाइस है, मतलब अगर विकास छोटे है दीपक बड़ा है, यहाँ पर समझना होगा, यानी विकास छोटा है और दीपक क्या है बड़ा है, अगर विकास के एज को एक्स मानते हैं तो दीपक उससे जस्ट डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। दीपक इज ट्वाइस एज ओल्डर एज हिज ब्रदर विकास, दीपक इज ट्वाइस एज ओल्डर एज हिज ब्रदर विकास। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एज बी 11 ईयर्स फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो यहां मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज, देखिए सेम क्वेश्चन होगा आपको, सेम बनाने का तरीका है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहां कर देंगे इसको 13 कर देंगे, 12 की जगह 13 हो जाएगा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हमारा जो है दीपक और विकास में है, तो विकास विकास
विकास में एस एच नहीं है विकास वी एक्स ईयर देन द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक प्रेजेंट एज ऑफ दीपक दीपक ट्वाइस हो जाता है यानी कि जस्ट जितना ये एज है उसकी क्या हो जाएगा ट्वाइस यानी टू एक्स। अब एक्सपेक्टेशन टू क्वेश्चन में दिया हुआ दोनों का डिफरेंस दिया हुआ आपको दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है कितना इयर्स दिया हुआ दोनों का डिफरेंस 11 इयर्स दिया हुआ डिफरेंस दोनों का डिफरेंस यहां जाकर यहां से इरेज करते हैं दोनों का डिफरेंस आपको हो जाएगा देखिए दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा आपको दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ देयर एज भी 11 इयर्स दोनों का डिफरेंस हो गया 2x माइनस x इक्वल टू 11 इयर्स है तो यहां सबट्रैक्ट करेंगे x में से 2x में से x जाएगा बचेगा 11 आपका बचेगा यहां लिखेंगे हेंस द प्रेजेंट इधर सीरीज कर देते हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोग इधर ही स्पेस है हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ विकास इज एक्स ईयर एक्स के जगह पर हमारा आया 11 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक 2x यानी 2 इंटू एक्स यानी 11 दैट इज 22 ईयर्स यहां भी ईयर्स दे देते हैं यही दो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया यहां तक आप सॉल्व कर सकते हैं नंबर में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा दीपक एज और उसके भाई विकास के एज का रिलेशन था क्वेश्चन नंबर 14 इसी तरह से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है मिसेस गोयल इज 27 इयर्स ओल्डर देन हर डॉटर रेखा मिसेस गोयल जो है वह 27 ईयर ओल्डर है हर डॉटर अपनी बेटी रेखा से यानी रेखा छोटी होगी हम लोग मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रेखा भी एक देन एज ऑफ या प्रेजेंट एज ऑफ मिसेस गोयल इज x प्लस 27 ईयर्स ये x हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा x प्लस 27 ईयर्स जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किए थे सेम उसी तरह अब आगे है आफ्टर 8 ईयर्स आफ्टर 8 ईयर्स सी विल बी ट्वाइस एज ओल्डर एज रेखा फाइंड देयर प्रेजेंट एज सेम एग्जांपल नंबर 4 मोना एंड मोना का फादर वाला रिलेशन में इसी तरह से काम कर रहा है यहां पर मोना और उसके फादर थे यहां पर मिसेस गोयल है और उसकी डॉटर जो है रेखा है सेम क्वेश्चन है बनाने का सेम आप कर सकते हैं बनाने का मेथड भी सेम लैंग्वेज भी सेम कर सकते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा आते ऐसे एग्जांपल नंबर 4 की तरह ही बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे हम लोग देखिए लेट रेखा प्रेजेंट एज बी एक्स एयर्स लेट रेखा प्रेजेंट एज बी एक्स एयर्स ठीक है देन हर मदर प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना है एक्स प्लस कितना दिया हुआ आपको मिसेस गोयल 27 इयर्स ओल्डर देन हर डॉटर रेखा यानी 27 इयर्स यानी प्लस 27 After 8 years बोलना अब देखो फिर आगे हम आएंगे रेखा एज after 8 years
पहले एक्स था, एक ईयर्स बाद इसमें ऐड हो जाएगा एट ईयर्स, एंड उसके बाद उसके रेखा इज आफ्टर एट ईयर्स। पहले आपका था ये देखिए एक्स प्लस 27 पहले से था और इसमें एक और एज हो जाएगा और एक उनका एज जो है एट ईयर्स और बढ़ जाता है, एड करके ही तो सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को। तो एट और सेवन को जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 2x 3 हो जाएगा और एक्स का एक्स हो जाएगा यानी कि एक्स प्लस 35 ईयर्स यहाँ तक आएगा। According to question में अगर बात करेंगे, according to question आएंगे, question में आएंगे, according to question में देखेंगे हम लोग, according to question में कह रहा है, question को पढ़ेंगे। After 8 years, she will be twice as older as, mic off कर ले, after 8 years, she will be twice as older as रेखा। इसकी मदर जो है रेखा से twice हो जाती है, तो देखो मदर का जो है आपको x प्लस 35 ईयर्स है और रेखा का एज जो है आपको एक एज बाद x प्लस 8 है। ये मदर जो है मिसेस गोयल जो है वो रेखा के एज के ट्वाइस हो जाती है, ये ट्वाइस हो जाता है। इक्वल करने के लिए हमको 2 से रेखा को मल्टीप्लाई करेंगे तभी दोनों का एज आपका इक्वल होगा, यानी कि मोना ये रेखा छोटी थी, रेखा को मम्मी के एज के बराबर करना है इसके, तो इसको आपको क्या करना होगा रेखा के एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तभी इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। यहाँ साइन प्लस है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, एक्स प्लस 35 हो जाएगा, यहाँ प्लस है साइन नहीं चेंज होगा, 2 एक बार इससे 2 होगा, एक बार इससे 2 होगा, 2x से 2 होगा 2x और 8 टू जा 16 हो गया। अब देखेंगे सॉल्व करेंगे, 35 इधर प्लस में 16 उधर लेके आएंगे, 2x उधर है x उधर लेके जाएंगे, माइनस उधर हो जाएगा x, यहाँ 35 में से आपको 16 जाएगा तो 5 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी एक लेगा, 15 में से 6 जाएगा 9, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ हो गया x, यानी अगर यहाँ पर हम लिखे इधर सॉल्व करें इधर ऐसा है तो x इक्वल टू हो गया हमारा 19। x हमने किसको माना था, ले द रेखा प्रेजेंट एज भी क्या हो गया x ईयर्स एंड देन हर मदर एज आपको हो जाएगा x प्लस 27 ईयर्स। इसके बाद हम लोग हेंस करके लिखेंगे, यहां तो पहले नोट कर लेंगे आप उसके बाद देखेंगे, हेंस करने के बाद हम लोग आएंगे यहाँ तक, यहाँ तक आने के बाद वापस जो है हम लोग इसको आएंगे हेंस करके, यहाँ कोई स्पेस कम है हेंस यहाँ कर देंगे, इरेज करते इसके नीचे का, इसके बाद क्या हो जाएगा आपको, इसके बाद यहाँ पर हो गया हेंस करेंगे, लेट की जगह हमारा हो जाएगा हेंस रेखा प्रेजेंट एज इक्वल टू आपको हो गया एक्स के वैल्यू आ गया 19 ईयर्स एंड हर मदर प्रेजेंट एज एक्स प्लस एक्स का वैल्यू जो है 19 प्लस 27 ईयर्स 46 ईयर्स हो गया आपको, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, इसको ऐसे राउंड करके आंसर कर देंगे हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं व्हाट प्रॉब्लम क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 को अगर देखते हैं आप, कह रहा है कि अ मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्डर हिज सन। तो हम लोग सबसे पहले सन का एज को मानेंगे कि मैन और सन का रिलेशन है, यानी सन और मैन की जगह हम लोग फादर यूज करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर देन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, यानी कि सन एक्स है तो फादर उससे क्या हो जाएंगे 4 टाइम्स हो जाएंगे यानी 4x मान लेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन को आगे अगर रीड करते हैं तो आफ्टर 16 ईयर्स कह रहा है कि आफ्टर 16 ईयर्स तो इसके एज में 16 ईयर्स के इंक्रीज हो जाएगा, अगर सन का एक्स अभी प्रेजेंट एक्स है तो आफ्टर 16 मतलब एक्स प्लस 16 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर आफ्टर 16 ईयर्स ये 16 ईयर्स आफ्टर 16 ईयर्स का कॉलम है, सन एज सन का एज हो जाएगा एक्स प्लस 16 ईयर्स एंड फादर एज एंड यहाँ कर देते हैं एंड फादर एज आपको क्या हो जाएगा अभी प्रेजेंट का 4x तो 16 में एड हो जाएगा 16 ईयर्स बाद इसके बाद, यानी कि 4x प्लस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि After 16 years, question को देखेंगे, after 16 years, he will be only twice as old as his son, find their present. So, after 16 years,
फादर जो है सन के एज के क्या हो जाते हैं, ट्वाइस हो जाते हैं। तो ये हमारा फादर का एज है, ये हमारा सन का एज है। फादर जो है सन के एज के ट्वाइस हो जाते हैं। हमने बताया था आपको जब फादर जब ट्वाइस हो जाएंगे तो दोनों के इक्वल करने के लिए फादर बड़े हैं, सन क्या छोटा होता है, तो हम लोग सन में ट्वाइस करेंगे, टू से मल्टीप्लाई सन को करेंगे, फादर को नहीं करेंगे, तभी दोनों का एज इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, ये हो गया 4x प्लस 16, ये हो गया 2x, होगा 2x, 16 हो जाएगा आपको 32। फिर x को इस तरफ लेके आएंगे आप, 4x माइनस क्या हो जाएगा 2x, इधर 32 है, इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, 2x इक्वल टू आपको हो जाएगा 16, और इधर x के वैल्यू को आएंगे इस तरफ लेके आएंगे तो x इक्वल टू 16 बाई हो जाएगा 2, x इक्वल टू हमारा हो गया 8। x हमने माना था, किसको माना था, अपना प्रेजेंट एज को हमने क्या माना था, x माना था। इस तरह से आपको यहाँ जो है x इक्वल टू 16 बाई 8, यानी कि हेंस करके हमारा जो सेंटेंस यहाँ लिखना है वो यहाँ ना लिख के यहीं पर हम लोग लिख लेंगे। इसको पहले देख ले एक बार कैसे हुआ, फिर इसके बाद इसको इरेज करते नीचे का, देखिए इसको इरेज करते ना, हेंस करके हमारा जो आंसर है यहाँ पर 15 की जगह हो जाएगा हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ सन सन इक्वल टू आपका हो गया 8 ईयर्स, एंड देन की जगह हो जाएगा एंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की जगह मैन भी कर सकते हैं आप, 4x, तो x की जगह पर हम लोग लाएंगे इन टू 8 ईयर्स, दैट मीन्स 32 ईयर्स। यही हमारा क्या हो गया फाइनल क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं।